अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने, अलखिदमत फाउंडेशन ने बरवक्त जो है कि रेस्क्यू का, रिलीफ का और मेडिकल कैंप्स के ज़रिए अपनी इन खिदमात का आगाज़ कर दिया था और ये पूरे मुल्क में एक मुनज़्ज़म काम हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों के अंदर एक बड़ा काम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की जो खिदमात हैं और अलखिदमत फाउंडेशन का जो एक मुनज़्ज़म काम है और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक़ साहब ने जो एक कौमी रहनुमा की हैसियत से मुतासरा इलाकों का विज़िट किया है, जिसकी वजह से ये सैलाब की एक बड़ी तबाहकारियों का पूरा मंजर और तस्वीर कौम के सामने आई है, तो इस एतबार से इसकी एप्रिसिएशन भी है और लोगों की रिकग्निशन भी है और लोगों का एक बड़ा तआवुन भी हासिल हो रहा है। इस वक्त तक अभी हमने तमाम सूबों से भी जायज़ा लिया है, अलखिदमत फाउंडेशन की पूरी मैनेजमेंट ने भी आगाही दी है और जो हमारी तमाम तंजीमें फील्ड के अंदर काम कर रही हैं उनसे हमें यही आगाही मिली है कि जो पूरे मुल्क में राशन, इमदादी सामान, अद्वियात, पका हुआ खाना और जो पानी, पीने के पानी की फरहमी है, मेडिकल कैंप्स हैं और इसी तरह दीगर जो रिलीफ कैंप्स हैं और नकद रकूम जो हासिल हुई हैं, इस वक्त तक हम पूरे मुल्क में 6 अरब रुपए की रकम के साथ ये पूरा रिलीफ का, रेस्क्यू का और मेडिकल का और लोगों की खुराक की मदद और तआवुन के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह हमने ये भी तय किया है कि भी मरकज़ की सतह पर भी और सूबों की सतह पर भी हम तमाम सतहों पर एक पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ और एक मुनज़्ज़म तरीके से अपना पूरा ये रिलीफ का काम अपने ज़रूरियात के मुताबिक इसको आगे बढ़ाएंगे।